हाँ जी, तो अगर आप लोग दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो हम लोग उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इनकी नई अपडेट क्या आई है बताइए, एंड इनकी क्या नई अपडेट आने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें तो अभी तक तो इन्होंने कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया, एंड मोर देन 1 वीक हो चुके हैं एंड कोई इनके तरफ से लेटेस्ट अपडेट नहीं है अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। बट जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उन सब की जो स्पॉट राउंड है वही स्टार्ट हो गई है, एंड उसी के लिए उन सबको सीट एलोकेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो डेट्स वाई बहुत सारे बच्चे को ग्लिच भी शो हो रही होगी, क्योंकि उनकी डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दोनों की पोर्टल सेम ही है। डेट्स वाई बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें ग्लिच शो हो रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, बिकॉज अभी डिप्लोमा की एडमिशन स्टार्ट है। बट अभी कुछ दिनों बाद डिप्लोमा की भी एडमिशन क्लोज हो जाएगी, क्योंकि उनकी स्पॉट राउंड चल रही है, एंड उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट की कोर्स की होगी वो स्टार्ट होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो आपको न्यू अपडेट इस वीक तो नहीं देखने को मिलेगा, बट नेक्स्ट वीक आपको दिवाली के बाद DSU की तरफ से न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा, एंड जल्द इनकी मैरिट लिस्ट भी आ जाएगी। नेक्स्ट वीक में आपको मैरिट लिस्ट भी देखने को मिल सकता है वीकेंड तक, एंड इनके तरफ से जो काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इस बार जो इनकी सेशन है वो लेट हो रही जस्ट बिकॉज CVT एग्जाम के कारण ये वेट कर रहे थे। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो जो इनकी एडमिशन सिर्फ 12th के बेसिस पे होती है, इस बार इन्होंने 10-10% डिवाइड कर दिया है। डेट्स वाई इन लोगों को मैरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में भी टाइम लग रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।